नमस्कार दोस्तों, उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ड्रीम मिलियन आईपीएल भी शुरू हो चुका है, तो वहाँ भी आप उतना ही फोकस रखें जितना यहाँ रखें। और अगर ड्रीम मिलियन फैंटेसी आप खेलते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स का बाप, आप डायरेक्ट जाकर उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो टीम है एनालिसिस आपको फुल मिल सके कि पिच रिपोर्ट क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो आपके एक के प्लेयर्स का रोल निभा सकते हैं। वहीं अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेकर स्कूल तक किसी भी लेवल तक अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कनेक्ट विद अस, हमारे साथ जुड़िए और हम ना आपका उतना ही साथ देंगे जितना ना एक टीम में बोलर होते हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या, जब भी हमारा कोई सेंटेंस होता है, हम कोई सेंटेंस राइटिंग करते हैं, कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, उस सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ना पड़ेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्टिव। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो एक बड़ा ही अमेजिंग आप लोगों के लिए उदाहरण है, आप लोगों ने वेज बिरयानी देखी होगी। अब वेज बिरयानी के अंदर होता क्या क्या है, वेज बिरयानी के अंदर ये होता है कि उसमें ना चावल होते हैं, उसमें सब्जियां होती हैं, उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें मसाले होते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के आपकी क्या बनती है, इन सब चीज़ों से मिलकर के बनती हैं आपकी क्या, बिरयानी। उसी प्रकार आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आपके और इंटरजेक्टिव, इन सबसे मिलकर के आपके क्या बनते हैं, इन सबसे मिलकर के बनते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं, जो आप ट्रांसलेशंस करते हैं, वो यहीं से होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज कराऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको पूरे मसाले सिखाऊंगा। तो जैसे वेज बिरयानी सीखी ना, अब वेज बिरयानी के अंदर होता क्या है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं चावल। जी हाँ, तो इनके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं आपके नाउन। बचपन से हमें पढ़ाई जाती है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी ये है कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन आर द नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर ए थिंग्स। मुझे भी लिखने में बड़ा मजा आएगा, बचपन से रटाई जाती है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद फैक्ट समझिए इसका और साथ में आपको नोटबुक रखनी है ताकि वो नोट से ना होंगे आप ऐड करते जाए, क्योंकि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो खुद के द्वारा बनाई गई होती है। तो साथ में चलना है, कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे जाकर के। तो नाउन हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिनको हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि पर्सन, प्लेस, आर ए थिंग्स, बस वही है। तो नाउन ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि आपको याद, नाउन होती क्या है, जैसे कि शेर है। अब ये शेर होगा कहाँ का, ये जंगल का राजा होगा, ये एनिमल्स के ऊपर शेर होगा। हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया के अंदर क्या है, ये एक नाउन है। ये कौन है, ये शाहरुख खान है। लेकिन हमारी जो ग्रामर की दुनिया है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर शाहरुख खान नहीं है, ये एक नाउन है। ये कौन है, ये विराट कोहली है। लेकिन ये विराट कोहली होंगे इंडियन टीम के कैप्टन, लेकिन हमारी ग्रामर की दुनिया में ये भी एक नाउन है। ये होगा एनाकोंडा, अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में क्या है, एक नाउन। तो जिस चीज़ का भी नाम है, जो चीज़ हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई चीज़ें तो है, उन चीज़ों की कोई ना कोई नाम है, तो नाउन को ही हम क्या कह देते हैं, नाउन को ही हम नाम कह देते हैं। अब अच्छे से समझ आ रहा होगा कि चीज़ें कितनी यूनिक थी, हम लोगों ने उन्हें कितना हार्ड कर दिया। तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई जरूरत है, सीधा सीधा समझो कि नाउन का मतलब नाम होता है। और अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अंग्रेजी के नाम ऐसा कोई टाइप होते नहीं है नाउन के, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए जो अंग्रेजी के विद्वान थे ना, उन्होंने खामे खा के टाइप बना दिया। लेकिन आपको ना मैं आज ऐसे तरीके समझाने वाला हूँ कि ये ना सब यहीं के लिए हो जाएगा, यहीं इसी क्लास में। क्लास अगर अभी तक पसंद आई हो लाइक करना, दोस्तों को ना प्लीज ज़रूर बताना, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। तो पहली टाइप है, टाइप है कुछ नहीं है, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझो। और कॉमन नाउन, यहीं का मतलब है कॉमन, जिससे एक चीज़ से पूरी चीज़ का पता चला, उसके कहेंगे कॉमन कहेंगे। चलिए इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन, इट इज द नेम गिवन टू ए आइटम आर ए थिंग्स, इट इज स्टार्ट ए कैपिटल लेटर। कहने का मतलब ये है कि वह नाउन जो एक नाम देती है किसी चीज को, क्या देती है, किसी चीज को एक नाम देती है, चाहे वो फिर कोई व्यक्ति हो, कोई आइटम हो या कोई चीज हो, उसे नाम देती है।
इट इज स्टार्ट ए कैपिटल वर्ड, ये किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होती है। जैसे कि जिसके बाल होंगे और जिसने पैंट शर्ट पहन लिया वो क्या होगा, जो ऐसे दिखने वाला क्या होगा, वो एक लड़का होगा। जिसके ने जो है फ्रॉक पहन रखी होगी, जींस पहन रखी, वो क्या होगी, वो एक लड़की होगी। इसी प्रकार से अब लड़की ना लड़की के अंदर ना सारी लड़कियाँ आ गई हैं, चाहे फिर माधुरी दीक्षित हो, चाहे फिर कैटरीना कैफ हो, करीना कपूर, सारी लड़की के अंदर आ गई हैं। जैसे मैंने लड़कों का नाम लिया उसमें सारी लड़के आ गए हैं, तो ये किस चीज़ को बताता है, ये बताता है, ये बताता है कि मैं ना नाम दे रहा हूँ किसी चीज़ को। बस चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बॉयज, बॉयज जैसे ही मैंने कहा दुनिया के सारे लड़के इसी के अंदर आ गए। सिटी मतलब कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे और बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, वो क्या होगी, बना एक सिटी होगी। अब मुझे मतलब नहीं है कोई भी, वो क्या होगी, मैं कह दूंगा ये क्या है, एक सिटी, मुझे कॉमन नेम लेना है ये क्या है, सिटी है। फिर चाहे वो भारत का हो, चाहे फिर वो अमेरिका का हो। बुक, जैसे मैंने बुक का नाम दिया, सारी बुकें उनके अंदर आ गई, चाहे फिर वो बाइबल हो, वो कुरान हो, गीता हो, कुछ भी हो। कार, अब कार का जैसे मैंने नाम दिया तो सारी कवर हो गई, सारी जो कारें हैं वो इसी के अंदर आ गई। फिर वो मछली हो, आपकी नैनो हो, सफारी, कोई भी हो। प्लेनेट, जैसे मैंने प्लेनेट का नाम दिया, जितने भी ग्रह हैं सारे इसी के अंदर आ गए, समझ आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल कहा, दुनिया के जितने भी यूट्यूब चैनल सब इसी के अंदर आ गए। कहने का मतलब ये कि नाम देता है। टीचर, जैसे मैंने कहा सारे टीचर इसके अंदर आ गए। मैंने जैसे स्कूल कहा, सारी स्कूल इसके अंदर आ गई, समझ आ रहा है, आ रहा है, मुझे पता है, कमेंट कर देना चाहिए, यस सर वी हैव नो इट। और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होते क्या है, प्रॉपर नाउन आप बताओ मुझे क्या होते हैं, नाम से बता रहे प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे कहना, यहाँ पे किस चीज़ का ग्रुप बताया जा रहा था, अब मैं किस चीज़ का प्रॉपर नाउन लूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक्टर, अब एक्टर के अंदर तो सारे एक्टर आ गए, लेकिन मैंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत क्या है, सुशांत सिंह राजपूत एक प्रॉपर नेम है। मैंने कहा विराट कोहली, अब क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर मैंने एक क्रिकेटर का नाम लिया जिसका नाम है विराट कोहली, समझते हैं, जरूर डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, ये ना कॉमन नाउन का उल्टा होता है। जी हाँ, उल्टा होता है, क्यों होता है ये ना उल्टा, इस वजह से होता है कि यहाँ तो किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ ना किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है किसी चीज़ के प्रॉपर नेम के बारे में। जैसे इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, जी कॉमन नाउन का उल्टा ही है, रिफ्रेश टू द स्पेसिफिक नेम, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक नेम, ये ना किसी को एक नाम देता है, एक स्पेशल नाम देता है, इसलिए इसका नाम है प्रॉपर नाउन। गिवन टू एनी पर्सन आर ए थिंग्स आर ए प्लेस, ये किसी भी वस्तु, स्थान या जगह को ना एक स्पेशल नाम दे देता है। कैसे दे देते हैं, जैसे मैंने कहा कि YouTube चैनल, अब YouTube चैनल के अंदर तो सारे YouTube चैनल आ गए। जैसे मैंने कहा उमा शंकर शर्मा ऑफिशियली, उसमें आपकी दया से एक छोटा सा चैनल हमारा आ गया है जिसका नाम है उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल। ये ना एक प्रॉपर नाउन है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नेम में से प्रॉपर नाउन का उदाहरण कौन सा है, कौन सी इसमें प्रॉपर नाउन है, तो बॉयज दिखे तो ग्रुप बता रहा है, फिर आपको समझ जाना है कि कॉमन नाउन है, जैसे किसी का नाम बताए प्रॉपर हो वो चीज तो प्रॉपर नाउन है। आगे देखते हैं, क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें क्रिकेटर का नाम लिख दिया महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत बातें कर चुके हैं इनकी भी, बहुत बेहतर इंसान भी थे। जैसे नाम है सिटी का, अब दुनिया की जितनी भी सिटियां थी सारी सिटी इनके अंदर आ गई, आगे नाम सिटी कहते हैं। लेकिन मैंने कहा मुंबई, अब मुंबई ना भारत की एक सिटी है, तो मैंने स्पेसिफिक नेम दे दिया। गेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक गेम है जिसका नाम क्या है, पबजी। मैंने कहा कि इंग्लिश बुक तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अंदर एक बुक है कौन सी, इंग्लिश। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, वो तो कौन हो गई, कॉमन हो गई, लेकिन मैंने कहा कि इंग्लिश, इंग्लिश ना उसके अंदर एक लैंग्वेज, एक प्रॉपर नाम है। फोन तो बहुत सारे हैं, फोन कहते सारी दुनिया के फोन आ गए, लेकिन जैसे मैंने कहा आईफोन, तो ये एक स्पेसिफिक नेम दिया है, ये प्रॉपर नेम है, तो समझ आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ आकर के ना स्टूडेंट बच्चा खाते, लेकिन आपको ना मैं नहीं खाने दूंगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बहुत सारी चीजों से मिलकर के एक चीज बन रही है, और ये क्या करता है, एक चीज से मिलकर के बहुत सारी चीजें बनता है, समझते हैं कैसे। दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स आर थिंग, ये ना रिप्रेजेंट करता है एक किसी चीज के ना ग्रुप को बताता है। सर ये भी तो ग्रुप बता, नहीं ये ग्रुप नहीं बता रहा है, ये कई चीजों को इकट्ठा करके बता रहा है, या कई चीजें इकट्ठा करने से ग्रुप बनेगी, या एक चीज इकट्ठा होने से कई चीजें बन रही है, समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए,
ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब वहाँ तो इसने पहुँच के दिया, बताया तो नहीं कि ये इसके लड़के हैं, ये वुमेन ही है, इसने सिर्फ एक ही क्वालिटी बताया। यहाँ क्या कहा कि ये बंच ऑफ ग्रेप्स कि अंगूरों का गुच्छा, मतलब कई अंगूर मिले, उन कई अंगूरों से मिलकर क्या बना एक गुच्छा। तो इसने क्या बताया, ये ना यह समझो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, उनको मैंने इकट्ठा कर लिया तो क्या बन गई क्लास। तो मैंने कहा क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ना यहाँ पर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कई लोग इकट्ठा हुए, फिर क्या बना एक बोर्ड बना, फिर एक डायरेक्टर बना। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जरूर बताना, दोस्तों को जरूर बताना कि ना पार्ट ऑफ स्पीच की ना एक कमाल की वीडियो सर ने शुरू की है। और उन वीडियो में खासियत ये है कि आपको एक ऐसे ढंग से समझाया जा रहा है जो ना बहुत आप लोगों के लिए स्पेशल, क्योंकि स्पेशल कौन थे वी वी एस लक्ष्मण। क्रिकेट जरूर देखना क्योंकि ये बेहतर गेम भी है और आपकी स्किल्स भी इस पर डेवलपमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो टाइप्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। खामा कोई टाइप नहीं है और रटने की कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन यूट्यूबर्स में नहीं, आपको कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको ना गोटो पे लाइक करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि यार आप हो तो हमें ना। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो ना अगर अच्छी लगी हो शेयर करना दोस्तों के साथ, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और हर एग्जाम से करेगा क्योंकि ना दिस एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल कमिंग ईयर ऑन द योर क्लासेज, बट वन वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सटेंशन नाउन, अब एक्सटेंशन नाउन होती क्या है, देखो इट इज द समथिंग विच यू कैन सी टेस्ट और ईयर, मतलब कि वो जिसे ना हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना टेस्ट कर सकते हैं, वो क्या है, वो तो भूत है, तो भूत है जिन्हें हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी एक नाम होती है हमारी एक्सटेंशन नाउन, जैसे वो चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो क्या है, लव। लव वास्तविक चिंतन का कैसा होता है कि मीठा होता है, खारा होता है ना, वो सिर्फ महसूस किया जाता है, वो चीज़ें महसूस की जाती हैं। ठीक है ना, इस बार हेट नफरत की जिंदगी कैसी होती है, नहीं सिर्फ ना उसको महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, तो ना हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। एंगर ऐसे जो है, गुडविल, गुडविल अच्छा की जिंदगी नहीं देखिए, सिर्फ हम लोग उसको क्या करते हैं, वी आर रियलाइज फॉर इट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें मेटल हो, जिसमें कोई धातु हो, ठीक है ना, जैसे हो देखो दीज आर द नेम्स गिवन टू मेटल सब्टेंस, मतलब कोई धातु होगी वो आप क्या होगी, वो उससे हम क्या बोलेंगे मेटल नाउन। तो आपसे वो सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछेगा कि इनमें से मेटल नाउन का उदाहरण कौन सा है, कॉमन नाउन का इसमें उदाहरण कौन सा है, आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का उदाहरण कौन सा है, वो आपसे ऐसे पूछने वाला है और कोई आपसे ना बहुत ज़्यादा उसको कोई मेहनत नहीं करवानी है। आप देखते हैं कि जैसे एयर आ गया, इसमें कपड़े आपके गोल्ड एंड सोना सिल्वर, तो ये आ गए हवा, ध्यान रखना हवा और पानी ये भी किस में आते हैं, मेटेरियल में आते हैं, ठीक ना, कि एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन अब से आप गिन सकते हो कितनी है, एक दो तीन चार। चेयर वो भी आप गिन सकते हो कितनी है, मोटर्स आप गिन सकते हो, सेकंड, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पूरे एग्जाम्पल्स में बोर्ड लिखाने लग गए तो आप भी जानते हो सालों लग जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, दूध है, दूध आप गिन के बताओ, आप ना सिर्फ दूध को तोल सकते हो, उसे ना गिन नहीं सकते। राइस, चावल, चावल सिर्फ आप तोल सकते हो, गिनते थोड़ी हो कि एक चावल, दो चावल, तीन चावल, ऐसे थोड़ी गिनते हो, और शुगर को भी आप नहीं गिनते हो, एक शुगर, दो शुगर, से आप तोलते हो कि एक किलो, दो किलो, दस किलो। नॉलेज, नॉलेज ना कभी नॉलेज का अकाउंट थोड़ी करते, इसे एक नॉलेज है, इसे दो नॉलेज नहीं, आप सिर्फ अनुमान लगाते हो कि इसे ना इस चीज़ की इतनी क्या है जानकारी है, इसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जिंदगी में ना आपका भ्रम टूटेगा कि यहाँ से ना, यहाँ से हमारी एडवांस इंग्लिश शुरू होगी, स्कूल के लिए तो यहाँ तक बहुत जरूरी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल यहाँ तक स्कूल की पूरी आ गई, लेकिन ना यहाँ से हमारा एडवांस लेवल शुरू होगा, उस एडवांस लेवल को समझिए ना, आप लगे कि फकीर बड़े हुए ना कि जहाँ एस दिखा समझ गए, अब समझो पहला तुम कहते कि एस लगाने का मतलब प्यूरल नहीं होता है, अब जी ना घंटी टन कि क्या कह रहा है कि एस जब आप लगाओगे ना तो इसको मतलब ये नहीं है कि वो प्यूरल, जैसे मैथमेटिक्स आपकी जो गणित होती है उसमें लास्ट में एस होता है, फिर भी क्या है ये सिंगुलर है, फिजिक्स, न्यूज, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक्स और ऑप्टिक्स ये सारी में ऐसे, इनके अलावा भी जो किताबों के नाम है वो सब क्या है, वो सब ये हैं कि एस तो है लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी ना ये प्यूरल है। अब देखिए कुछ नाउन हमेशा प्यूरल ही रहती हैं, जी हाँ कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर दिखती है लेकिन क्या है वो फिर जैसे सीजन, अब सीजन जो आपकी ऋतुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो ना बहुत सारी होती है, सीजन कोई ऐसी चीज़ है लेकिन फिर भी सीजन क्या है आपका प्यूरल है। सन ग्लासेज जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें दो आंखें होती हैं, वो भी क्या है
फिर उन्हें गोगल साफ चश्मा लगाते वो भी क्या है, ऐसे इसने फिर भी क्या है, ये फिर भी आपका क्या है, फिर भी दोस्तों ये आपका प्लूरल है। ट्राउजर कैंची इसमें दो टांगे होती है वो भी क्या है आपका प्लूरल है। पैंट्स पुपिल, अब पुपिल नहीं कहते हैं, सिंगुलर है ना आपको यहाँ सर सिंगुलर, क्योंकि ऐसे ऐश ना इसमें नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो ऐसे पुपिल का क्या लिख रहा, चिल्ड्रन का आपके बच्चे, बच्चे ना आपके प्लूरल है, पुपिल्स आपके प्लूरल है। हेडफोन्स में दो एड्स होते हैं ये भी क्या आपका प्लूरल से। पैंट भी आपका क्या प्लूरल, तो दिखेंगे तो आपको सिंगुलर लिखा लेकिन होंगे क्या प्लूरल। एक बार रख लेना वीडियो पर के पीछे लगा रहेंगे, एक बार देखो पांच बार देखो खोल बार बार देखो तो जब तक समझ नहीं देखते जाना। आगे देखो बस सिंपल है, होगी पूरी अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं वो नाउन हमारी क्या होगी, वो नाउन हमारी होगी सिंगुलर। ये देखो मैंने लिख रखा है नॉलेज, नॉलेज का फिर से तुम नहीं गिन सकते हो, राइस आप नहीं गिन सकते, शुगर आप नहीं गिन सकते, किसी कविता को आप गिन नहीं सकते हो, ट्रैफिक ट्रैफिक आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो ये भी आपकी क्या होगी सिंगुलर होगी। किसी की इन्फॉर्मेशन नॉलेज ये सारी आपकी होंगी सिंगुलर। अब वीडियो कैसे लगे पहले बताओ, कमेंट में नया जरूर कमेंट करना आप जहाँ से वो भी बताना, क्योंकि ना दिल है हिंदुस्तान। जाने से पहले एक पॉइंट, आप लोगों ने कविता में हमेशा वही चीज़ लिखता हूँ जो ना मुझे दिखाई दी पूरी आपने देखी, इसलिए कविता आप लोगों की कविता ये है कि कभी सलमान के बालों पर कभी करीना के गालों पर मर गए, कभी सलमान के बालों पर कभी करीना के गालों पर मर गए, ऊपर बैठ करके भगत सिंह सुखदेव राजगुरु से कहते होंगे यार हम भी किन लोगों के लिए मर गए। अच्छी लगी नहीं लगी ना कुछ कि कभी सलमान के बालों पर कभी करीना के गालों पर मर गए, ऊपर से बैठ करके भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से कह रहे होंगे कि यार हम भी किन लोगों के लिए मर गए। अच्छी लगी ना, और चाहो कि हर तो आपने पूरी देखी ना, इसलिए आप लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका फर्ज है, क्योंकि इतनी अगर मेहनत आप लोगों के लिए होती है वो सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, तो इससे हमारे भी हौसला बढ़ता है कि वी हैव गेट बेटर देन फॉर इट्स। और क्रिकेट टीम, हाँ क्रिकेट टीम अगर आपको चाहिए हो, क्रिकेट की आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो, क्योंकि आपका भैया स्पोर्ट्स पर्सन भी है, पढ़ाई पहले करते आप वर्तमान में स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो क्या क्या आपको कैसे आप अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी नॉलेज ना आपको चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है कम्प्लीट मिले, क्योंकि मैं भी ना ब्लॉग वहीं से करता हूँ जहाँ से आप करते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। चलो।